ये तो ज़बरदस्ती का बात ये है कि मैं बाबा बाबा में मानता नहीं हूँ, तो एक लपड़ वाले बाबा की वजह से बहुत परेशानी हो गई स्टेशन पे। मैंने बाबूजी से बताया तो बाबूजी कहने लगे कि देख बेटा, ये बाबा कैसे बनते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा क्यों होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने कहा बोलिए कैसे बनते हैं। तो बाबूजी ने कहा कि बेटा तू सबकी सुन, कम बोल और ज़्यादा सुन। वही मैंने शुरू किया तो लोगों ने मुझे बाबा बना दिया। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, घर पे आके बोल रहे हैं रेलवे बाबा कीजिए, रेलवे बाबा कीजिए। अभी तक मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं बाबा कैसे बन गया। तो ये अभी परेशानी है, उलझन है, पता नहीं अभी आगे जाके सुलझेगी नहीं सुलझेगी। काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ये बाबा जो है, मतलब ओम जी जैसे बिग बॉस में ओम जी है वैसे। यार वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लोगों ने मुझे बाबा बना दिया है। इतना मुझे समझ में आ गया है कि अब मैं मुसीबत में फंसने वाला हूँ, क्योंकि ये बाबा बाबा बनना है यार अपने बस की बात है नहीं। हम रहे सीधे साधे यार नौकरी परस्त आदमी हम, पता नहीं आगे क्या होगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि आपको इतनी इज्जत मिलती है तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। तो फिलहाल तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा भाई। घर वालों का क्या रिएक्शन था? वो तो अभी आएगा, अभी पता नहीं। घर वालों को तो मैंने देखा ही नहीं कि उनके क्या रिएक्शन थे। मैं तो मस्त था, क्योंकि मुझे बाबा बना के मुझे चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, मेरे लिए गाने गाए जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब परिवार को तो अब देखूंगा, परिवार को थोड़ी तकलीफ तो होगी मुझे लगता है, लेकिन अभी तक उनके रिएक्शन मुझे पता नहीं क्या है। मैं अभी जो बाबा उन्होंने मुझे बना दिया है, मैं अभी उसी खुशी में और उसी सपने में टहल रहा हूँ कि यार मैं बाबा हो गया हूँ, लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। और आगे किस तरह के कारनामे होने वाले हैं जो बाबा है? कुछ पता नहीं भाई साहब, कुछ पता नहीं। अगर देखना है तो फिर देखते रहिए भाई सब टीवी, चिड़ियाघर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सब टीवी पे देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा।